आज आर्ट कीपर बात करने वाले हैं उदय शंकर जी से। उदय जी कार्टूनिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर हैं, आर्टिस्ट हैं जो रियलिस्टिक वर्क भी करते हैं। हर तरह के इनका काम का एक प्रभाव है। एंड लेट्स टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट हिज जर्नी। उदय जी, मैं उदय दा बोलूँगा। अच्छा उदय दा, आप अपने आप को आर्टिस्ट मतलब क्यों, आप आर्टिस्ट ही क्यों बने? ये आर्टिस्ट जो मतलब, मैं हर किसी को ये सवाल पहले ही पूछता हूँ, व्हाई टू बिकम एन आर्टिस्ट? मैं आपको कार्टूनिस्ट नहीं बुलाऊँगा, आर्टिस्ट ही बोलूँगा। तो आप आर्टिस्ट क्यों बने, आर्टिस्ट ही क्यों, व्हाई टू बी एन आर्टिस्ट? नहीं, इसके पीछे है कि मैं जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है जी, कलकत्ता की कुमारटुली फेमस प्लेस है। ओके, जहाँ आइडल्स बनते हैं, दुर्गा आइडल्स एंड अलग। हाँ जी जी, और वर्ल्ड फेमस प्लेस है। बिल्कुल, बचपन से मैं देखते आता रहता था जी, वो 20-25 साल तक जी। तो उसका तो एक कुछ होता है, अंदर आ जाता है ना कुछ ना कुछ। एक तो एक शुरुआत है ये। ओके, मैंने आर्ट ड्राइंग के साथ साथ मैंने वो मूर्ति भी बनाते थे। ओके, बचपन में? बचपन से ही देखते देखते। ओके, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि मैंने जो प्रचलित प्रथा है उसमें नहीं बनाते। ओके, मैं सोचता था कि वो मिट्टी से ही बनेगा मूर्ति। ओके, क्यों अलग अलग चीज़ों से क्यों नहीं शुरुआत हो, मटेरियल्स अलग अलग क्यों ना, मटेरियल्स जी। उसका शुरुआत भी की थी एकदम स्कूल लेवल में। ओके, एक पेपर पल्प से मैंने सरस्वती की मूर्ति बनाया था। ओके, वो मेरा मोहल्ले में पूजा भी हुई थी। ओके, और उसका उसी का ही पूजा हुआ था। ओके, और उसका इतना अच्छा लगा था कि नेहरू, कलकत्ता नेहरू म्यूजियम जी, वो प्रिजर्व करने के लिए ले गए। ओके, वो एक इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो आज वो आज भी है, आज भी होगा। राइट, लास्ट 30 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ जी जी। तो वो एक इंस्पिरेशन आता है उससे जी, और उसके बाद से आज देखिए कलकत्ता में जो भी पूजा होते हैं अलग अलग थीम से बनते हैं, अलग अलग चीजों से मूर्ति बनाते, थीम पूजा ज्यादा है। बिल्कुल, वो शुरुआत शायद मैंने की थी उस टाइम, एंड दैट वाज इन व्हिच ईयर, अलाउड नहीं था। दादा किस किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? 1985। ओके, तो स्कूल में था मैं, तो वो एक प्रथा था कि ये कुमारटुली में कोई शिल्पी ये सब अलग चीजों से बनते नहीं थे, वो एक बनाते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसका जरूरत होता है वो बताते कि वो एक लड़का है वो बनाता है। बिल्कुल, तो मेरे पास आ जाता है, तो इससे मैंने 2-3 आउट बनाए। एक सैंड से काली ठाकुर बनाया था, काली पूजा के लिए जो बनाया था, तो सबसे ज्यादा प्राइस उस टाइम डिमांड भी किया था मैंने, 10,000 एक मूर्ति के लिए, और मिला भी था। दमदम सेंट्रल जेल की पूजा था। ओके, और इट वाज ए ह्यूज सक्सेस दैट टाइम। ओके, और ये जर्नी था, ये जर्नी वहीं से शुरुआत थी, कुमारटुली से स्कल्पचर जर्नी। लेकिन मेरा अंदर से वो ड्राइंग, पोर्ट्रेट बनाना, ये सब चीजें आते रहते थे। ओके, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट अगेन है, वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कार्टून करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, नॉर्मली जो ड्राइंग होता है जी, वो कुछ देखने से मेरे को उनके थोड़ा सा डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करने की इच्छा जागती थी। परसेप्शन आपका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वो चीज था, उससे मैं कार्टूनिंग में आने की कोशिश। तो ये बचपन से ही आप इस तरह से मतलब ड्राइंग को अलग तरीके से करते नहीं थे? और एक था कि मैंने बड़े होके मैं बनू के आर्ट तो पत्रित बना लिया जी जी, आर्ट कॉलेज में जाके सब सीख लिया, वो पहले ही बनते थे, मेरे पहले ही आता था। लेकिन आर्ट कॉलेज में जाके भी मैंने कार्टून ही बनाया, और सबने मेरे को प्रोत्साहित की कि अच्छा ये आर्ट तो बहुत दिनों से बंद है, कोई करता नहीं है। कौन सा कॉलेज दादा? इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स। इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट, 5 years डिप्लोमा किया। ओके, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट मींस दमदम के पास जो है? नहीं नहीं, वो लास्ट ईयर मेरा जो लेनिन सरोवरी में था। ओके ओके, लास्ट ईयर उसके बाद से दमदम में चले गए। दमदम में चले गए हम लोग लास्ट ईयर तक लेनिन सरोवरी में। तो वहाँ पे दादा आपने क्या पेंटिंग में किया था? मैंने कमर्शियल आर्ट लेके की थी। ओके, एक तो कार्टून है नहीं, मैं तो कार्टून बिल्कुल 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 कई जगह में नहीं, नहीं तो मैंने साथ साथ कमर्शियल ट्रेनिंग जो होता है कर लिया। ओके, कर रहे थे। ओके, और उसके साथ साथ मैंने कार्टून भी शो कर रहा था, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ होता है तो मैं उसमें कार्टून बना के दिखाता।
अच्छा, तो फाइनल ईयरली जो एग्जीबिशन होता था जी, उसमें भी मेरे कार्टून कॉमिक स्ट्रिप्स ये सब डिस्प्ले की। उस वक्त ही आप बनाना शुरू करते थे? आपने से कोई सोचा नहीं क्यों बना रहा हूँ कि, लेकिन मेरा कार्टून में। और ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? वो 89 के आसपास होगा जब पासिंग आउट था। ओके ओके, तो मतलब आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके कार्टूनिंग आप कॉलेज में करते थे? और कॉलेज में टीचर्स देखने के बाद बताए कि ये हम करीब कोई 10 साल बाद दिख रहा हूँ और ये हम अच्छे से डिस्प्ले करेंगे, ये आर्ट अच्छा था। लेकिन क्या कॉलेज में कोई स्पेशली आपको सीखने को मिला कार्टून? नहीं नहीं, मैं दिखाया उसमें हुआ कि हमें हमारा एग्जीबिशन ओपन करने के लिए जी एक मैगजीन के एडिटर आया। ओके, वो समरेश मजूमदार, सॉरी समरेश बोस, समरेश बोस, उनका एक मैगजीन था उस टाइम। ओके, और एक बच्चों के लिए बनाना था उनके, वो देखने के बाद ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये एग्जीबिशन के बाद आप हमारे साथ मिली। ओके, और ये कॉमिक स्ट्रिप हम छपेंगे, और वो छप गया। मैंने तो एक तरह से आपका फर्स्ट प्रोफेशनल सक्सेस भी है। तो वो पूरा कॉमिक स्ट्रिप कॉलेज में बना और उसके बाद उसको वहाँ पे प्रिंट भी किया गया? नहीं, नॉट ओनली दैट, मंथली मैगजीन में एवरी मंथ काम भी मिल गया, एक एक पेज छपना शुरू कर दिया, और वो भी फर्स्ट ऑफसेट में, एंड दैट वाज इन कलर ऑफसेट में। और ये मैगजीन क्या बंगाली में था? बंगाली में था। और कोई आपको अभी याद है मैगजीन का नाम? सब जनता मजारू, सब जनता मजारू बंगाली में, सब जनता मजारू। ओके, मतलब जिसको सब कुछ जानता है वैसा वाला। उसमें एक पेज मेरा था, कॉमिक स्ट्रिप आना शुरू कर दी। तो मेरा दैट वाज इन कॉलेज इटसेल्फ, मैं जब मैं सेकंड ईयर में था। अरे बाप रे, मतलब आपका मतलब देखा जाए जो जर्नी जो प्रोफेशनल कार्टूनिंग में, तब से कॉलेज से शुरू हो गया था। ओके, इसके साथ साथ मेरा कार्टून के और भी कार्टूनिस्ट बनने के और भी बजाय है जी। मेरा कॉलेज के ऑपोजिट में एक हिंदी न्यूज़पेपर था, ओके, ऑफिस था। ओके, वो दैनिक विश्वमित्र पुराना टाइम में बहुत पॉपुलर था, बहुत पहले। हाँ जी, और वो सारी हिंदी फिल्म में देखा जाता है कि वो हीरो ये पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका एक एडिटर एक दिन मेरे को पूछा कि आप कार्ट कॉलेज का हो, आप कुछ इलस्ट्रेशन हमारे लिए बनाओगे? हाँ, हम आपको पैसा देंगे, बोला आप आ जाओ। तो मैं ऑफिस में उस दिन गए थे। हाँ, हाँ। उन्होंने पूछा कि इस तरीके से हमारे कार्टून जरूरत होता है हर संडे को जी, तो आप बना दोगे तो आपको हम 50 रुपीज़ पर कार्टून के लिए दे सकते हैं। उस वक्त 50 रुपये कार्टून का है, 50 बहुत ज़्यादा है, बहुत है। हाँ, और एक कहानी दिया मैंने, बता कि उनको बोला था कि हिंदी आता नहीं है, मैं कैसे बना दूँ? बोले नहीं, हम बंगाली में आपको समझाता हूँ जी जी। तो उसके बाद शुरू की, जब उन्होंने बताया तो मेरे समझ में आ गया था क्या करना है जी जी, एक आर्टिकल की। ओके, फिर बताया कि ये फोटोकॉपी ले जाओ, कल बना के लिया। बोले अब अभी तो मैं बना सकता हूँ, घर जाने की क्या जरूरत है? बोले अच्छा ये है, बैठो। उसी वक्त वहीं बैठ के आपने बना? उधर मैं बर्डर के दी थी, उनको पसंद है, उन्होंने चीफ एडिटर के पास ले गए। ओके, चीफ एडिटर बताया कि ऐसा अगर तुम कॉलेज के बाद इधर आ जाओ, 2-3 रेगुलर बनाना पड़ेगा। वाह, अरे एक शुरुआत था, शुरुआत है वो था आपकी जर्नी का। बनने के बाद वीकली पेमेंट करना शुरू की, तो जबकि पैसा आना शुरू हो गया, पैसा अर्निंग कॉलेज में ही आपने करना शुरू कर दिया। और वो कार्टूनिंग की, कार्टूनिंग के था, बिल्कुल कार्टूनिंग के वजह से ही है। पोर्ट्रेट भी बनाते थे कुछ, कैरिकेचर कहेंगे, फाइव पोर्ट्रेट भी। ओके, फाइव पोर्ट्रेट भी, इंटरव्यू के साथ जो छपते हैं ना जी जी, फोटो के बजाय पोर्ट्रेट, लाइन पोर्ट्रेट्स। ओके, वो फाइन लाइन पोर्ट्रेट्स मैंने वो कॉलेज लाइफ में ही शुरू कर दी थी, पेपर के छपने के लिए। दादा एक चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकली होगा कि कार्टून्स कैरिकेचर्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स राइट, और दोनों का एक पब्लिकेशन के साथ ही जुड़ाव है ज़्यादा। हाँ।
तो इन दोनों का लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि व्यूअर्स को भी पता चले, खासकर स्टूडेंट्स को भी ये पता चले, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड कैरिकेचर। कार्टून कैरिकेचर एक सेपरेट सब्जेक्ट है, आर्ट फाइन आर्ट सेपरेट सब्जेक्ट है, पोर्ट्रेट आर्ट जो बोलते हैं जी, तो वो तो एक फाइन लाइन से बनता है, फाइन पोर्ट्रेट्स जी। लेकिन कैरिकेचर आप जो पोर्ट्रेट्स को देख रहे हैं, हम जिसको डिमांड है, जैसे लालू यादव जी, उनको हमें डिफरेंट तरीके से देखने के लिए थोड़ा हम ह्यूमरस करते हैं जी, उसमें कैरिकेचर आ जाए। जब एक फेस को थोड़ा क्रिएटिवली हम चेंज करते हैं तो उसको कैरिकेचर, नाक को थोड़ा लंबा कर दिया किसी चीज के साथ, फीचर्स के साथ, तो वो कैरिकेचर में आता है जी। कार्टून अलग, उदयदा आपने कैलकटा में कॉलेज में रहते हुए ही एक प्रोफेशनल जर्नी शुरू कर दिए थे, बट यू ऑल्सो केम टू दिल्ली, तो ये जो कैलकटा और दिल्ली के ब्रिज जब बना, आप कैलकटा से दिल्ली में क्रॉस ओवर किए, कब किया, वजह क्या था, ये थोड़ा बताइए। वो तो लॉन्ग बैक की बात कर रहा हूँ, आर्ट कॉलेज जब फिनिश मैंने की थी ओके, तो वो एक चांस मिल गया था एक फिल्म में काम करने के लिए कैलकटा में। ओके, तो वो कैसे हुआ था, मतलब फिल्म, मतलब फीचर फिल्म ओके, मेरा शौक था कि मैं फिल्म आर्ट डायरेक्टर बनूं, ओके, फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर बनूं, इस तरीके कुछ शौक था। आई हैव डन डॉकू फीचर फिल्म कोर्स विद सतीश रे, ओके, इन नंदन यस। अच्छा, देन जब कॉलेज में था तभी कर लिया था आपने, उसमें जो मैं मैगजीन एक पेपर की नाम लिया कि दैनिक विश्वामित्र, उसमें मेरा एक पोर्ट्रेट हर हफ्ता में आते थे जी, तो उसमें एक पोर्ट्रेट छपा था ओके, जिसकी किसी की ज़रूरत था उस तरीके का और पोर्ट्रेट के लिए। हाँ, एक दिन मेरा ऑफिस में आया कि एक बंदा, ये पोर्ट्रेट आपने बनाया, एक मैंने देखा के बिरला का एक पोर्ट्रेट था ओके, और बोले हाँ ये तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, क्या गलती है। बोले नहीं, गलती नहीं है, हम एक फिल्म बना रहे ओके, के बिरला के ऊपर ओके, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ओके, उसमें हम चाहते हैं कि के बिरला के जितना फैमिली मेंबर्स है करीब 90-100 उनका सारा पोर्ट्रेट आप बनाएंगे, सभी फैमिली मेंबर्स का पोर्ट्रेट आप बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग ट्राई किया था, मतलब कैरिकेचर नहीं, पोर्ट्रेट बनाए ओके, प्रॉपर पोर्ट्रेट बनाए ओके। लेकिन मैंने प्रोफेशनली इतना ह्यूज काम कभी किया नहीं जी, स्टूडेंट लाइफ डर तो लगता है जी, तो मैंने बताया कि देखिए, मैंने सोचा कि ये पैसा इतना डिमांड करूँ कि वो भाग जाए ओके, तो मैंने बताया एक पोर्ट्रेट के लिए 500 रुपीज़ लेंगे ठीक है। उसने बताया कि वो पैसा हमारे कुछ नहीं है, पोर्ट्रेट चाहिए, मतलब 500 मान गए ओके, और मैंने 90 पोर्ट्रेट्स उनके लिए बनाया था विद इन अ 6 मंथ्स पीरियड ओके।
यार वो उनको पसंद आ गया। हाँ हाँ। और उनको बोल रहे कि ये हमारा कलकत्ता का जो शूट है हो गया है, हम कलकत्ता बॉम्बे जाके अब शूट करेंगे। ओके। ये के बिरला के बाकी डॉक्यूमेंट्रीज की। ओके। मैं चाह रहा हूँ कि आप साथ में आओ। ओके। हाँ। मैं क्या करना है, बोले आप मेरे को डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्ट करो, तुम्हारा जो सेंस है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ जरूरत होगी तो उधर आपको कम करेंगे, और इसके लिए हमको 25,000 रुपया मंथली देंगे। ओके, मंथली 25,000 उस टाइम। दैट टाइम। ओके, ह्यूज। मैंने सोचा कि ये अभी ये चांस एक बार आता है। जी 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 जी। और मैंने ऑफिस में बताया कि मेरा अंकल का बीमार है, मैं मुंबई जाना है जल्दी से। ओके। तो बोले तो कभी तो बताया नहीं अंकल है वो, मेरे चांस को हाथ में लेना है मैं सोचा था। और उन्होंने 5,000 रुपीज दिए थे कि ये तुम जो जो चीज खरीदना है जी, एक सूटकेस खरीद लो, ये सब लेके पैकअप करो और परसों जाना है, अगर नहीं जाना है तो बता देना। ओके। मैंने तो मेरा कंफर्म कर ली थी कि वो जाना है, बाद में दिखा जाएगा क्या होगा। ओके। तो ये था शुरुआत मेरा कलकत्ता छोड़ने की। ओके। मैं बॉम्बे पहुँच गए। अच्छा, वहाँ से आप बॉम्बे गए? हाँ, फर्स्ट टाइम बॉम्बे। और के बिरला के गेस्ट हाउस में रहना था। ओके। उनकी फिल्म के साथ दिन भर काम करना था, शाम को मौज मस्ती जो बॉम्बे में होता है वो सब करना था। ठीक है। तो इस तरीके से एक साल बीत गए और अचानक बताया कि हमारा फिल्म ख़त्म, अभी हम कलकत्ता लौटेंगे। अच्छा। तो अभी जो है वैसे बॉम्बे आने के बाद अब कलकत्ता जाके क्या करना है। तो मैंने डिसाइड की कि उन्होंने बताया कि और एक हफ्ता मैं रहूँगा, आपको पैसा के लिए हमको रहना है जी, आप इसमें ढूंढ लो मुंबई में कुछ होगा तो। ठीक ठीक। और एक हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं था, जैसे कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को कलकत्ता आना पड़ा था, लेकिन उधर का कोई कंपनी बोले थे कि दिल्ली आप आ जाइए। Okay. दिल्ली में कुछ आर्ट डायरेक्टर्स का पोस्ट खाली है, वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक महीना कलकत्ता रहने के बाद मैंने फिर एक सूटकेस लेके अटैची लेके मैंने दिल्ली आया था। ओके। और फर्स्ट वीक में मेरा एलाइट पब्लिशर से बुक डिजाइन की एलाइट पब्लिशर्स ओके काम मिल गया था। दरियागंज है शायद? नहीं, अभी तब वो ओखला के आसपास कहीं जा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके हेड ऑफिस था। ओके। उनको उन्होंने बुलाया था, मैंने किसी तरीके से पहुंच गए थे जी। तो उन्होंने बताया कि ये काम कर दो, 35,000 पर मंथ देंगे। ओके। घर में बैठ के करके देना है। हाँ। तो ये मेरे सूटेबल काम था और मैं कर भी रहे थे। बिल्कुल। फिर मैंने एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। ओके। आर्ट डायरेक्टर से मिलने के लिए कि देखिए मेरा एज साइकिल के पोर्ट्रेट कार्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त भी आईटीओ में ही था? आईटीओ में था, वही मेन ऑफिस था। ओके ओके जी। तो वो तो शुरुआत तो अच्छा नहीं था कि ये आप तो हमारे पास तो नौकरी नहीं है, हम तो बुलाया नहीं है जी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपको पता होगा कि आर के लक्ष्मण इधर कार्टूनिस्ट है। हाँ, तो आप क्यों आए? बोले मैंने जस्ट सुना था। और ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मैंने 91 की बात कर रहा हूँ शायद। 1991 में जब आर्टिस्ट से बात किया कि बोले नहीं मैंने सुना था कि आप एक आपका दृष्टि अलग है, आप एक आर्ट डायरेक्टर है, मैं आपको काम दिखाने आया था। ओके। तो बस मैंने नौकरी के लिए नहीं आया था। हाँ हाँ। वो नहीं, आप मेरा पोर्टफोलियो देखने के बोल बहुत अच्छा है। ओके। आप एक डिमांड क्रिएट करो, उसके बाद आप देखेंगे। अच्छा। अभी तो कुछ नहीं है, मतलब आपका कार्टूनिंग के लिए डिमांड क्रिएट करो। हाँ, ऐसे वर्ड मेरा लाइफ में नया आया। राइट। बिल्कुल, सबको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे को चांस ही नहीं दे तो डिमांड क्रिएट कहाँ से होगा? एक तो क्वेश्चन उसी टाइम आया। बिल्कुल। मैंने थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर आया। जी जी। सेकंड फ्लोर नंबर टाइम्स नंबर टाइम्स का ऑफिस, उनके एडिटर से मिली, मैंने आर्ट डायरेक्टर से नहीं मिली थी। मतलब उसी दिन आपने मिल लिया उनको, दिखाया मेरा पोर्टफोलियो। उन्होंने एक एडिटर बोल के, अरे ये सब ड्राइंग, ये पोर्ट्रेट आपने बनाया जी, देखिए आज थर्सडे है। हाँ हाँ। अच्छे दिन में आया कि हम थर्सडे को डिसाइड करते हैं संडे के पेपर में क्या क्या आना है जी। ये आर्टिकल जाके इसमें 6 पोर्ट्रेट चाहिए, वर्ल्ड लीडर का, गर्बाचोव, इंदिरा गांधी, श्रीमा बंदर नायक, इस तरह के 6 पोर्ट्रेट। ओके। आप ये बना के दे सकते हैं फ्राइडे तक, कल तक। ओके। मेरे पास वो चैलेंज था। बिल्कुल। और मेरे एक रात में 6 पोर्ट्रेट और वो कलर में, मैंने कभी कलर में बनाए नहीं, सब ब्लैक एंड व्हाइट में बनता था। ओके। उसको भी नहीं मिलते थे, पेपर में छापते नहीं थे कलर में। बिल्कुल। लेकिन ये दिल्ली में छापना शुरू हो गए थे। ओके। ऑफसेट में। बिल्कुल। और वो चैलेंज लेके मैंने रात भर में सुबह 10 बजे तक 6 पोर्ट्रेट, इतना मेरा ही इतना खुश हुई थी कि इतना अच्छा बनाए कलर में, ये लेके मैंने
12 एक बजे तक पहुँचे। ओके फिर उसने बताया कि देखिए मैंने तो एक सिंगल सिंगल फोटो लाई फोटो चाहिए था। हाँ हाँ आपने इतना अच्छा माना कि हम आर्टिकल काट देंगे, हम डबल डबल कलम में आपको ये पोर्ट्रेट छपेंगे। ओके डबल कलम मिल गया। हाँ तो ये छप गया। ओके फिर नेक्स्ट थर्सडे फिर फ़ोन आया, मेरा मकान मालिक का तब तो फ़ोन नहीं थे जी, तो ये आपको ऑफिस आना है और कुछ काम करना है। ओके जब मैंने ऑफिस गए तो उन्होंने बताया पहले तो ऊपर जाओ, ऊपर आर्ट डायरेक्टर ने आपको याद कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैंने लगा कि डिमांड कुछ हुआ है। हाँ हाँ तो उसके पास जब गए उन्होंने उनके घर स्टूडियो में हाँ 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 मेरा वो पेपर्स कटिंग रख दिया था। ओके ये तुमने बनाया जो नभा टाइम में। अच्छा ऐसा पोर्ट्रेट अगर बनाओगे हर रोज हमारे लिए तो मतलब डिमांड क्रिएट हो गया। डिमांड क्रिएट होगी तो जब अब अगर अच्छा काम होगा ऐसा है कि आपको पोजीशन है कि नहीं पेपर में, नहीं वो मेरा एडिटोरियल पेज में आपको जगह बनाना पड़ा, जगह बना बन जाता है जी जब काम ठीक होता है जी। तो उन्होंने एडिटोरियल पेज में हर बार हर रोज एक एक इंटरव्यू जाते थे, वो पोर्ट्रेट के फोटोग्राफ की जगह मेरा हाथ से बना हुआ पोर्ट्रेट छपना शुरू कर। ओके और ऐसा मैंने 5000 पोर्ट्रेट्स 18 ईयर्स में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बनाए। 5000 पोर्ट्रेट्स फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। यस ओके ये मेरा रिकॉर्ड है। तो दादा एडिटोरियल कार्टून भी बनाते थे उस पे। एडिटोरियल कार्टून भी बनाते थे हाँ। तो उनको भी अगर एड ऑन किया जाए तो बहुत सारा है हाँ? मतलब कितना 10,000। अरे वाह मतलब अभी तक अगर देखा जाए अभी तो काउंट ही नहीं करते हैं अभी तो दो तीन बना रहता है। तो आप कितने साल टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने 18 इयर्स आई वर्क फॉर 18 इयर्स फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। लकीली आरके लक्ष्मण के साथ मुलाकात हुई। योर कॉलीग विद आरके लक्ष्मण। तो उसके बाद आपको अजीत मीनान भी मिले। हाँ अभी उन्होंने भी है। अच्छा ओके एक चीज ये पूछना चाहूँगा दादा कि कार्टूनिंग का जो कोई एडुकेशन में कभी मैंने जगह नहीं देखा है no. किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये तो प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेशन तो है जैसे देखिए इलस्ट्रेशन का सब्जेक्ट तो आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत पेंटिंग सब कुछ है लेकिन कार्टूनिंग नहीं no. ना ही कैरिकेचर है नहीं। शुरुआत में इस सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम है जिस बच्चे में आता है कार्टून बनाना जी हम उसको जो टैलेंट है वो फादर मदर खराब कर देते हैं बोलिए अरे ये ऐसा नहीं होता है करेक्शन करते हैं करेक्शन के बजाय हाँ। उनको जो ओरिजिनल टैलेंट है जी मतलब इमेजिनेशन का यूज नहीं करने देते तो पहले ही करेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चा 5 से 10 साल आ जाता है वो नॉर्मल में चले जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका कहने का मतलब अगर सही है उनको देना चाहिए जो फ्रीडम आपको देना चाहिए हाँ। गलती करने दीजिए उसको हाँ। वो जैसे खेलना चाहते हैं है ना आज एक राउंड पत्थर से प्लेन बन चुका है बिल्कुल जो वो सब चीज होना चाहिए। सो वन शुड नॉट स्टॉप द क्रिएटिविटी। तो मिकी माउस हम इतना एंजॉय करते हैं बिल्कुल माउस कोई फिगर है बिल्कुल वो तो क्रिएशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो क्रिएशन नहीं तो ये सब टैलेंट मतलब बनाता है। मैं यही चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा देखिए कि कार्टून्स अगर ये देखें कार्टून्स का एप्लीकेशन एनिमेशन में भी होता है हाँ। अगर हम बाहर के एनिमेशन देखें खासकर डिज्नी वगैरह के पिक्सर के देखें वहाँ पे वो फॉर्म के साथ बहुत खेलते हैं क्योंकि उनको फ्रीडम मिलता है हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे जब कार्टून बनते हैं एनिमेशन बिल्कुल नहीं है घर से बोल रहे ना उनको प्रतिभा को दबा दिया जाता है ऐसा नहीं तो करेक्शन ज़्यादा करते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ परफेक्शन ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से बने हाँ। जो गलत है वही आपके हिसाब से भी। ओके दादा तो आप इस हाँ। तरीके से बंद हो जाता है बिल्कुल जो सीखना भी चाहते हैं उसको स्कोप नहीं है कहीं के आपके हिसाब से सब्जेक्ट शुरू होना चाहिए कॉलेजेस में। कॉलेज में जरूरी है ये सब्जेक्ट इसमें सबसे अर्निंग भी होता है आजकल का जमाना डिजिटल जमाना आ गया बिल्कुल कार्टून इतना अच्छा सब्जेक्ट है बिल्कुल इतना इसका स्कोप बढ़ गया ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंट मीडिया में बंद हो गया तो ऐसा बिल्कुल डबल डिजिटल ही आ गया क्योंकि डिजिटल आ गया ऑनलाइन फॉर्मेट चेंज हो चुका है इसमें भी कार्टून चाहिए बिल्कुल ये टैलेंट नहीं है वो अभी जो भी मल्टीमीडिया सेंटर्स बहुत सारे हैं दिल्ली सब जगह में वहाँ उसमें सिर्फ टेक्निकलिटी सिखाता है क्रिएटिविटी बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है वो जब पास करके वो जो पास आउट होता है उनके पास एक टूल को सिर्फ सिखाया जाता है कि टूल को कैसे यूज करो राइट टूल से आपका आपका कहना अगर मैं सही आपका कहना अगर मैं सही पकड़ रहा हूँ कि टूल को पकड़ना टेक्निकली साउंड है बिल्कुल लेकिन उनको विजुअली साउंड नहीं है एब्सोल्युट इसलिए वो कर नहीं पाएगा बिल्कुल
बिल्कुल आपको अलग से सीखना पड़ेगा ना, ये मेन है कि कार्टूनिंग, कार्टूनिंग सीखना पड़ेगा। टेक्निकली हार्डली 10 डेज में सीख जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ अलग है कार्टून, जो सब्जेक्ट वाइज बनाना जरूरी है। ओके राइट, उदय दा आपका कार्टूनिंग वर्कशॉप्स का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने शायद हिंदुस्तान में हर जगह घूम के अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट किया है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस वर्कशॉप्स को करते हुए आपने सीखा भी या सिखाया भी, दोनों तरफ से हुआ तो वो थोड़ा बताइए हमें। नहीं, ये आज मैंने अभी तक दिल्ली में जी 196 वर्कशॉप कराया ऑल इंडिया, नॉट ओनली दिल्ली में। 196 यस, ओके। ये लॉकडाउन के बजाय मेरा 200 नहीं हो पाया, वो पड़ा है। ओके, चलिए चलिए वहाँ चल के बात करते हैं। तो टोटल 196 अभी तक कर लिया आपने। हाँ, ये विभिन्न ऑल इंडिया, ऑल स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स में, केरला, ओके, दिमापुर, ओके, असम, असम नहीं, नॉट असम, नागालैंड, नागालैंड में, ओके, तो कई जगह, भोपाल, ओके, सूरत, ओके, कई स्टेट्स में जाके किया, इवन दुबई, इवन दुबई आउटसाइड इंडिया, ओके। एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें, जो हमें लगा कि जो सीखने को मिलता है बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके, हमें भी सीखने को मिलता है बच्चे के बच्चों साथ को भी उनको एंजॉय करने के लिए मौका मिलते हैं। तो उनको जो जनरल कॉलेज स्कूल्स में अच्छे अच्छे आर्ट डिपार्टमेंट है जी, लेकिन कार्टून के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो बच्चों में कितना इंटरेस्ट है कार्टून में सीखने का? ज़्यादा इंटरेस्ट है,
मैं वही बोला पॉल्यूट हो जाता है जब उनको करेक्शन हो जाता है जी। कि एक आर्टरी मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आर्ट एग्जीबिशन में मेरे को जज बना के ले गए। ओके। सब टैलेंटेड, बहुत अच्छा आर्ट बनाया जी। एक बच्चा ने जिसको लगा कि कोई गाइडेंस नहीं मिला, वो एक फिश मछली के विंग लगा दी और वो आसमान की तरह उड़ रहा है। मैं उसको फर्स्ट प्राइज दी थी, इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त। लेकिन बाकी सब पेरेंट्स आए, हमारे तो गलती था पिक्चर में आ रही है। अच्छा। ये हम तो सब करेक्शन सब अच्छे बनाया, उनको मतलब ये गलत को आपने अवार्ड दे दिया क्योंकि ये विंग बनाया। नहीं, मैंने उनको समझाया कि ये फोटोग्राफी क्लास नहीं है, बिल्कुल जो देख रहा हूँ वही, ये तो है इमेजिनेशन को लेने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली वो कार्टून जो होता है वो उसने बनाया और वो उनको आगे गाइड ना किया जाए जी, वो और कुछ निकाल लेंगे उनके दिमाग से, अलग कुछ बनेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये था एक मौका होता है बच्चों को सिखाने से, बच्चों के सीखने से, और आस्ते आस्ते वो कोई इसको पकड़ के रखता है, कोई पकड़ के नहीं रखता है। कॉलेज में सब टीचर्स ने उनको मना करता है कि इस तरह से मत करो, ऐसे करेक्शन में आ जाते हैं, तो तब ये जाके कार्टूनिंग की फैक्टर्स खराब हो जाते हैं। तो ये तो एक फैक्टर है, ठीक है। इनके लिए मैंने एक कॉलेज में भी हूँ, अभी शंकर आर्ट एकेडमी में भी टीचर्स हूँ, IIMC के भी लिए भी मैं टीचिंग करता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट के कार्टून एंड न्यूज़पेपर। ओके। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। ओके। अभी भी देखता हूँ कि उनको इंटरेस्ट है लेकिन वो भटक गए, कई अलग लाइन में चले गए। ओके। ये लौट के नहीं आ सकता है कि पूरा स्कूल लेवल में जब नहीं होता है तो एक स्कोप मिस हो जाता, क्योंकि स्कूल में भी कोई कार्टूनिंग नहीं सिखाता, नहीं, स्कूल कोई में नहीं, भी कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम, सब बच्चे सब फादर मदर सब कार्टून एंजॉय करते हैं। हाँ, कार्टून एंजॉय करते हैं और बच्चे जब एनिमेटेड वो चीज़ें देखते हैं, कार्टून खुद देखते हैं, तो अगर उनको बिजी रखना है तो कार्टून चला देंगे टीवी में, है ना। लेकिन खुद अगर कार्टून्स बनाएगा बच्चा तब वो बोलेंगे कि नहीं करेक्शन करो। ये डिफरेंस है, इसके लिए टैलेंट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जी जी, एक चीज़ उदयदा, मुझे कभी कभी ये लगता है कि कार्टूनिंग का कोई म्यूजियम क्यों नहीं है। हाँ, ये एक बड़े सब्जेक्ट है। मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि आप ऑल इन इंडिया में सबसे ज्यादा कोई है कार्टून का म्यूजियम इंडिया में? कार्टून कार्टून म्यूजियम नहीं है, डॉल्स म्यूजियम है। नहीं, डॉल म्यूजियम तो है। मैंने इसीलिए हमें एक बार जाना पड़ा था केरला में। केरला में एक कार्टून एकेडमी है। ओके। जिसका 25 ईयर्स था, उस टाइम मेरे को ले गए थे। ओके। उनकी दिल्ली से एक कार्टूनिस्ट, स्पेशली कार्टूनिंग सीखने के लिए एकेडमी। नहीं नहीं नहीं, वो एक कार्टून क्लब है, कार्टून क्लब, कार्टूनिंग क्लब, जिसका 25 ईयर्स हुआ था। ओके। उसमें मेरे को इनवाइट किया था वही फंक्शन में। ओके। तो वहाँ पे एक ऑल इंडिया कार्टून एसोसिएशन की तैयार की बातें हो रही थी। ओके। तो उन्होंने सबने बताया कि ये तो दिल्ली से होना चाहिए, और मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दिया अचानक। अच्छा। और ऑल इंडिया कार्टून एसोसिएशन की, और MM मनी है, एक मलयालम कार्टूनिस्ट एंड MLA। ओके। उन्होंने प्रेसिडेंट था। ओके। तो हमें तब लगा कि हमें कार्टून म्यूजियम की जरूरत है। हम लोग सब मिल के डॉक्टर मनमोहन सिंह से, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम की बात है, ये 6-7 साल की पहले की, 14 साल के पहले ही, 14 साल पहले की बात है। तो उनसे मिले, उन्होंने बताया कि अच्छा हमारे एक पास कार्टून म्यूजियम नहीं, इतना सारे म्यूजियम है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि श्रीलंका, पाकिस्तान जी, बांग्लादेश, सब में कार्टून म्यूजियम है, इंडिया में कार्टून म्यूजियम है। अच्छा, मतलब हमारे नेबरिंग कंट्रीज में है, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्टून बनता है। न्यूज़पेपर्स भी इतने सारे हैं, मैगजीन्स इतने सारे हैं, इतना कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट को एक जगह में देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अच्छा, ओके, ठीक है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम भेजता हूँ, और डॉक्टर अंबिका सोनी तब था जी, अंबिका सोनी जी, तो उनके पास भेजे थे। तो उनके पास सरकार बदल जाता है, फिर वो सब कुछ बदल जाता है, सरकार चेंज होने के बाद। इस गवर्नमेंट तो कार्टून को बहुत सारे मानता नहीं, राइट। तो कार्टूनिंग का जो, अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, कार्टूनिंग का आज क्या फ्यूचर है? आज फ्यूचर तो है। ओके। गवर्नमेंट दे ना दे, मीडियम चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट ना करे ना, जिसकी मन में है, मैं जैसे कार्टून बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है, और वो है स्कोप,
मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इतना स्कोप है, आप डिजिटली कार्टून बनाइए, डिजिटली कार्टून बनाइए, मोबाइल आ जाने के बाद बहुत सारे गेम्स में भी कार्टून आ रहे हैं, वो ज़्यादा स्कोप अभी है। ओके, लेकिन आप ये मानते हैं कि जैसे आज पैंडेमिक है, आज हम सेकेंड ईयर ऑफ पैंडेमिक चल रहे हैं, आज हम 2021 में है, अगर ये पैंडेमिक चलता रहा, पैंडेमिक चलते हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बंद हो चुके हैं और न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेशन भी कम हो चुके हैं, छप भी नहीं रहा, फ्रंट पेज में जो छपता था जी वो छपना बंद हो गया। तो इस हालत में तो कार्टूनिस्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बंद छप नहीं रहा, दिखा नहीं पा रहा है कहीं जी, तो है। ओके, लेकिन सब अगर सब तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो है एक दौर से चल रहे हैं, एक दौर से हम लोग चल रहे हैं। क्या कार्टूनिंग बनाते वक्त आप कभी इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप आपका खुद का जो पॉलिटिकल एक व्यू पॉइंट उसको कंट्रोल में रखते हैं? जैसे मान लीजिए आज आपको बीजेपी पे कुछ बनाना पड़े, लेकिन आप हो सकते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर ना हो, आप कांग्रेस को मानते हो, कहने की बात है नहीं, कार्टूनिस्ट के एक धर्म होना चाहिए, ये इंडिविजुअल धर्म होना चाहिए। और मैं भी वो फॉलो करता हूँ, मैं एक अपोजिशन पार्टी भी नहीं करता हूँ, मैं करेक्शन करता हूँ, राइट, पोजिशन पार्टी हो अपोजिशन पार्टी हो, राइट, कुछ भी गलती करता है तो करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, राइट, उसके लिए करता हूँ। आप अपना पर्सनल पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं, उसमें ही मेरा पॉलिटिकल व्यूज होता है, आज जो भी गलती हो रहा है हम उसको जो हाईलाइट करें तो वही मेरा व्यू है। तो लेकिन उसमें कार्टूनिस्ट अपने आप को क्या एपोलिटिकल रख सकता है? जैसे मान लीजिए आज रखना पड़ेगा, राइट, दोनों तरफ के, मैं उनको भी एक तरफ पर नहीं हो सकता, वही कहने उनको वो तो बायस्ड हो जाता है, बायस्ड हो जाता है, नहीं वो नहीं, ये एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एक टाइम मनमोहन सिंह लॉन्ग टाइम प्राइम मिनिस्टर था, 10 साल, बिल्कुल, और वो बहुत सारे हमें एम्पुल स्कोप दिया था, राइट, मजेदार था। अभी सबसे ज्यादा एम्पुल उसको मोदी जी दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट इससे सब्जेक्ट बनता है, हम बायस क्यों हो रहे हैं, बायस क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर हो रहा है। और देखा जाए तो पॉलिटिशियंस खुद भी एक बार कार्टूनिस्ट थे, जैसे बाल ठाकरे जी, बाल ठाकरे जी खुद भी एक बहुत, उनका अलग चीज है, और खुद पॉलिटिशियंस तो बाद में आया, कार्टूनिस्ट मेनली थे, राइट, कार्टूनिस्ट से फिर वहाँ पे अलग तरीके से गए, लेकिन उनका भी एक कार्टूनिंग का वो जोर था। हाँ, ना उनके उद्धव ठाकरे अभी जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है, उनको भी उन्होंने भी अच्छे कार्टूनिस्ट थे। ओके, राज ठाकरे भी कार्टूनिस्ट है। ओके, मतलब पूरे फैमिली में वो लोग कार्टूनिंग किया है। ओके दादा, एक चीज़ और बोलूँगा आपसे कि आपका कहीं बाहर जाने का कुछ मौका मिला, जैसे इंडिया से बाहर जाके कार्टून्स करने का कोई मौका मिला आपको, क्या कोई बाहर कोई आप एक चीज़ और भी है कि आपका एक एग्जीबिशन मैंने बहुत पहले देखा था, इजिप्ट पे था, इजिप्ट है मेरा एक, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए कि बाहर कहीं जाके आपको काम करने का मौका मिला, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स पे आपने काम किए थे, कोई एग्जीबिशन हुए थे जो इंटरनेशनली? पहला तो था कुछ साल पहले, इजिप्ट एम्बेसी ने मेरा कार्टून एंड पेंटिंग के एग्जीबिशन की, इंडिया में ही हुआ था, इंडिया में हुआ था, चाणक्यपुरी में जहाँ पे उनका एम्बेसी है उसमें है। ओके, और वो एक अच्छा मेरे लिए मौका था। ओके, मेरा कार्टून एंड पेंटिंग शो करने के लिए इंटरनेशनली, वहाँ पे 50 अदर्स एम्बेसिडर्स को बुलाया था, वो डीप डे था, तो उस दिन ओपनिंग हुई थी, तो सबको एक बिग ओकेशन था मेरे लिए। ओके, इसके बाद जो हुआ था कि मैंने दुबई से अचानक एक प्रोग्राम में अटेंड करने की मौका मिला, दुबई में, दुबई कौन से साल, ये 2016 जस्ट कुछ साल पहले, तो उधर जाके 3 घंटा का मेरा एक प्रोग्राम था, एक कंपनी के 50 ईयर्स हुआ था, तो वहाँ पे हर प्रोग्राम में एक कार्टूनिस्ट का उन्होंने ऐड करता है उनके एंजॉय करने के लिए। ओके, तो एक शाम को मेरा था 3 घंटा, तो क्या वो लाइव आपको बनाना, लाइव कार्टून लाइव बनाना था, मेरे बारे में भी और सुनना चाहते थे, मैंने प्रोजेक्ट करके मेरे बारे में, ओके, उसमें दुबई के एजुकेशन मिनिस्टर भी था, ह्यूज एक डे था मेरे लिए। उसके बाद मैंने 7 दिन दुबई ऑफिशियली घूमे। ओके, और ये एक मौका था उधर जानने के लिए कि दुबई में कार्टून, क्या वहाँ पे मौका मिला, आपने वहाँ पे भी किसी कार्टूनिस्ट से मिले थे वहाँ पे? उधर कार्टूनिस्ट नहीं थे, अच्छा वहाँ कार्टूनिस्ट नहीं थे, लेकिन इजिप्ट में है, इसराइल में है, जो जो कुछ कई कंट्री है
बहुत ज़्यादा कार्टूनिस्ट है और हम ऑल इंडिया कार्टूनिस्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी कार्टून थ्रू फेसबुक हम लोग मीडिया के थ्रू हम देखते हैं, हम टच में हैं। ओके, उनके साथ भी आप लोग टच में हैं। उदय दा, ये मोबाइल में जो मैं देख पा रहा हूँ ये दुर्गा पूजा का आपने बनाया हुआ है शायद, और ये कोरोना के टाइम में ही हुआ है, राइट? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो ये क्या है? क्या दुर्गा पूजा तो बंद ही था, मंदिर सारे मंदिर भी बंद था उस टाइम, कुछ अलाउ किए थे कि पूजा के लिए, लेकिन प्रॉपरली सब कुछ बंद था। ओके, तो हम मैंने सोचा कि कार्टून से क्यों ना बनाए, कार्टून से दुर्गा पूजा, इसमें तो कोई मना नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फ्लैश प्रिंट किया है 20 फीट हाइट, 8x8 फीट, तो इसको उन्होंने पूजा मंडप पे लगाया, प्रेस कवरेज हुई, उसके बाद ये 20 रिप्लिका बना के दिल्ली के मेन बंगाली एरिया में रखा गए। okay. तो मंदिर में हम आता यहाँ से देखो हमारा घर, और वो अपने हाथ से बनाया, जो दुर्गा कोरोना को किलिंग कर रहा है, ये सब्जेक्ट था। ओके, और ये इसके बाद ये जब सोशल मीडिया में थोड़ा पब्लिश हो गया, तो मॉस्को के एक बंगाली NRI संस्था है, उसने बताया कि ये हमें चाहिए हमारा मैगजीन में छपने के लिए। अच्छा। और हम चाहे कि हमारा जो स्टूडेंट है आपको मॉस्को बुलाया जाए एक बार आके, उधर भी आपको उनके लिए भी कुछ वर्कशॉप कीजिए वहाँ पे, ये मौका हो जाता है ये करने के बाद। जब पूजा नहीं हुई तो उसमें तब भी ये कुछ हमें बनाने के मिला। उधर एक चीज़ और पूछूंगा कि आपने इतने सारे कार्टून्स बनाए हैं, इतने सारे कैरिकेचर्स बनाए हैं, इतने सारे डिग्निटरीज VIPs सबके लिए काम किया आपने, सबसे चैलेंजिंग कौन था जिस पे काम करने में, कैरिकेचर बनाने में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, और सबसे मतलब मज़ेदार किसका हुआ था, मतलब आपको मज़ा आया था सबसे, खुद एक चैलेंजिंग है और एक है कि आपको खुद एंजॉय किया था आपने कि भाई मुझे इसका बना के सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तो ऐसे नहीं, एक तो लालू यादव फेवरेट कैरेक्टर है कार्टून के लिए, और वो एंजॉय करते हैं, मैंने जब बना के उनको दिखाया था तो बोली अच्छा ये मैं तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे देखने लगता हूँ तो लगता है कि वो मरेंगे, लेकिन वो एंजॉय करता है। ओके, दिस इज द कमर्शियलिज्म, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म, और बिग हार्टेड है वो, बहुत बिग हार्ट। तो एक तो मजेदार जगह है, और मैंने कई बड़े बड़े को बनाया है, कार्टून बनाया, पोर्ट्रेट भी बनाया है, जैसे अब्दुल कलाम, मिलना मेरे लाइफ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को उनका फोन आया था मेरे को जी आपसे मिलना है, तो एक मौका था मिलने की, और मैंने गए तो बोले कि यू नो आर के लक्ष्मण मेरा फ्रेंड है, फ्रॉम टुडे यू आर माय फ्रेंड, ये एक बिग कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, ये बिग फिगर उनसे मिलने की एक मौका। एक्स चीफ मिनिस्टर जो अभी रहे नहीं, उनका एक कार्टून बनाया था। ओके, तो उनको प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने बताया था कि ये हमें दे दो, हम बुक कवर में यूज करेंगे। अच्छा, ज्योति बच्चों ने मांग लिया वो कार्टून से आपसे, तो एक बेनिफिट था इनसे मिलने के लिए, इनसे पहुँचना जी, सामने जाना, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट लगता है। तो जैसे इनसे मिल के जब इनके लिए कैरिकेचर बनाते थे, क्या इनके कैरेक्टर को आपको स्टडी करना पड़ता था? हाँ, जरूर। नहीं, देखिए पॉलिटिशियंस इतना
फेमस पॉलिटिशियंस है, सब जगह में दिखते थे, सब जगह इतना चर्चे में है जी, तो उसको उस तरीके से आप जरूरत नहीं होता है, मन में बन जाता है कि ऐसे बनाऊँ उनको फिर लेके। तो जो मैं इतना सालों से काम कर रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं कि उसको फिर दोबारा स्टडी करना है। ओके एक रेगुलर बेसिस में जो होता है जानकारी उसके ऊपर हम कर लेते हैं। दादा एक चीज़ और है कि कार्टूनिंग पे कोई मैगजीन है हमारे इंडिया पे, सिर्फ कार्टूनिंग जी थोड़ा बताएं। एक छत्तीसगढ़ से निकलता है कार्टून वॉच करके, कार्टून वॉच हाँ वो भी 25 साल हो गए है निकल रहा है। प्राइस क्या है, प्राइस क्या होगा उसका, मतलब हार्डली 50 रुपीज शायद है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है कि उसके पास फंडिंग नहीं है उनको, लेकिन हर मंथ ये हर मंथ निकल रहा है, हर मंथ निकल रहा है। ओके और 25 ईयर्स 25 साल से कम नहीं होता, 25 साल बहुत है, ये 25 साल चल रहा है। ओके और ये इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन भी, ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या नाम क्या है इसका, कार्टून वॉच, कार्टून वॉच। ओके ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और इसका एक है कि हमारे दिल्ली में कोई कार्टूनिंग कोई क्लब या इस तरह से कुछ है, इस तरीके से प्रोफेशनली तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक एक शंकर आर्ट एकेडमी है जी, जहाँ पे मैं कार्टून सिखाता हूँ, अभी एक साल से बंद है जी जी, पैंडेमिक की वजह से बंद है। IIMC में मैं जो कराता हूँ वो भी अभी टेम्पररीली बंद है जी, जो उसमें जो हो रहा है हो रहा है, प्रोफेशनली कुछ सीखने के लिए नहीं। इसका जो बहुत ज़रूरी है इतना सारे कार्टून्स को, इतना कार्टूनिस्ट के जो कार्टून्स है इनको प्रिजर्व करने के लिए एक जगह चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। तो आपने इतने जो ओरिजिनल्स बनाए हैं सारे ओरिजिनल्स काम आपके पास हैं अभी कुछ भी? तो है पहले है? अभी तो डिजिटली बनता है ज़्यादा, तो क्या आपने इनको स्टोर करके इनको डिजिटल फॉर्मेट में रख रहे हैं? डिजिटल फॉर्मेट में ही है, डिजिटल फॉर्मेट में ही है। कभी अभी तो मिल के होता है, मैं ये हाथ से भी बना लेता हूँ, उसके बाद कुछ टचेस बेटर करने के लिए डिजिटली बनाता हूँ। क्योंकि दादा तो, इसमें एक सवाल ये उठता है कि इतने साल 18 साल आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टूनिंग बनाया, मैं वही कैरी घूम रहा हूँ, तो वो जो काम कहाँ है मेरे पास, वो काम सूटकेस में लेके घूम रहे, बिल्कुल वो काम आप लेके घूम रहे हैं, तो वो काम प्रिजर्व करके रखना चाहिए, रखने के लिए जगह नहीं। जब वो सब पोर्ट्रेट्स देखेंगे यार, 20 साल पहले जो भी आज के मंत्री है जिसको बनाया था जो, उनको सब यंग एज का फोटो है, तो अमिताभ बच्चन का यंग एज का, वो तो प्रिजर्व करके कहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, कहाँ रखूँ, वहीं लेके घूम रहा हूँ, सूटकेस में पड़े हुए हैं। दीज आर द थिंग्स नीड टू बी डन। बिल्कुल उदय दा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। नहीं एक सब्जेक्ट अलग है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल उसके जो प्रॉब्लम है इसको भी बताने की कोशिश की। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि आपसे बात करूं और सीखूं जानूं, और इस चैनल के थ्रू, आर्ट कीपर के थ्रू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं जो आर्ट, कार्टूनिंग, इलस्ट्रेशन, हर सब्जेक्ट में जिनको इंटरेस्ट है उनको एक जानकारी मिले, क्योंकि जानकारी कार्टूनिंग पर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अगर देखा जाए तो। तो ये बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक्स टू यू, आपने टाइम निकाला है और निकाल के इतनी देर तक हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू, थैंक यू।